हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIT वरंगल की। सो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज़ NITW.ac.in। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ अपडेट्स दिख रहे हैं, राइट? सो, इसी में जो फर्स्ट अपडेट है वो PhD की है, एंड ये रही वो अपडेट। सो, एडमिशन इनटू PhD प्रोग्राम फॉर सेशन December 2024, राइट? सो, आपको इसी पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा, अगेन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वो देख सकती हैं जी। तो ये है वेब पेज, एंड इसमें आपको दो लिंक्स दिख रहे हैं। एक है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, एंड ये है ब्रोशर डाउनलोड करने की। तो यहीं से ब्रोशर एंड बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। सो, चलिए हम पहले ब्रोशर ओपन करते हैं। सो, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, PhD एडमिशन December 2024, NIT वरंगल। एंड यहाँ पे है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी यहाँ पे देखने को। सबसे पहले देखिए, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड से PhD अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। एंड डिपार्टमेंट्स में सिविल है, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स, देन केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, HSS दैट इज़ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी है, राइट? नेक्स्ट है द कैंडिडेट जिनके पास गेट है या नेट है, GPAT इंक्लूडिंग लेक्चरशिप दैट इज़ NETLS, सो वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं अंडर दिस, ओके? एंड अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में, सो ऑब्वियसली यू विल रिसीव इंस्टीट्यूट फेलोशिप, ओके? सो नेक्स्ट, यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो होते हैं वो भी अवेलेबल होंगे। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ भी दिया है, तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को भी चाहे तो यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं, राइट? आप इस पर क्लिक करके विजिट कर सकते हैं उस लिंक पे, ओके? एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड से ही फिल करनी है, एंड अपने पास आप फिल जो प्रिंट आउट होगा फाइनल वो आप रख सकते हैं, सो दैट बाद में जब रिक्वायर्ड हो तो आप उसे प्रेजेंट कर सकें। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सो एप्लीकेशंस ऑलरेडी एक्टिव हैं, एंड जो लास्ट डेट है वो है 25th of October 2024। लिस्ट आएगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की फॉर रिटर्न और इंटरव्यू ऑन 6th of November, एंड जो रिटर्न इंटरव्यू है वो 11th से 14th of November के बीच में होगा, राइट? देन अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं कब होगी। नाउ एडमिशन कैटेगरीज की बात करें, सो जैसे आपने इनिशियली देखा फुल टाइम पार्ट टाइम PhD यहाँ अवेलेबल है। फुल टाइम में यहाँ पे 7 कैटेगरीज या 7 सब कैटेगरीज हैं। तो पहली हो गई इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी, यहाँ पे एज लिमिट का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। सो मैक्सिमम लिमिट होगी इस कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स। जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए 33 होगी फॉर OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड इट विल बी 35 ईयर्स फॉर SC ST PWD प्लस फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल दी कैटेगरीज, राइट? सो ये है एज लिमिट। नेक्स्ट यहाँ पे एक कैटेगरी हो गई विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, फाइन। सेकंड है यहाँ पे फेलोशिप आप ऑलरेडी किसी और सोर्स से आपको मिलेगी। सो आप फेलोशिप अवॉर्डीज हैं फुल टाइम या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या इनमें से किसी भी एजेंसी के थ्रू फेलोशिप मिलनी हो। थर्ड कैटेगरी आप देख सकते हैं फुल टाइम जो प्रोजेक्ट फेलोज हैं, JRF SRF जो किसी R&D प्रोजेक्ट में हैं जो यहाँ पे चल रहा है, तो उस कैटेगरी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डी फोर्थ कैटेगरी इज फुल टाइम स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट। तो आप स्पॉन्सर्ड होंगे, PhD फुल टाइम करेंगे, बट आपको स्पॉन्सर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज ICCR फेलोशिप अवॉर्डीज हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम एक्सटर्नल फेलोज़ के लिए जो किसी और नेशनल रिसर्च लैब वगैरह में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क करते करते PhD करनी है, ठीक है? लास्ट है फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी। तो इसके इसमें गेट नेट कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्टली मास्टर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर फेलोशिप आपको ऑब्वियसली किसी भी सोर्स से नहीं मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट है पार्ट टाइम PhD। तो इसमें 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है परमानेंट फैकल्टी हैं आप किसी प्राइवेट अकेडमिक इंस्टीट्यूशन के, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड है परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज़ हैं आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो फुली फंडेड है गवर्नमेंट की तरफ से या PPP मोड में हैं। कई IITs भी हैं जो इसी मोड में हैं, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी है जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पे R&D फैसिलिटीज़ वगैरह भी है, एंड उनका मेंबरशिप है CII SOGEM वगैरह से, राइट? लास्ट कैटेगरी है पार्ट टाइम में परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जो वर्क कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट R&D लैब में या ऑर्गेनाइजेशन में, अंडरटेकिंग में, PSUs वगैरह में, एंड आप PhD करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई सारी कैटेगरीज। अब आपको समझ में शायद आ गया हो कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं।
नोट में पॉइंट है, सो जो कैंडिडेट ऑफ कैटेगरी ए एंड सी विल रिसीव इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो ए तो आपको पता है, सी वाले हैं प्रोजेक्ट फेलोज, तो उन्हें प्रोजेक्ट के थ्रू ही मिल रहा होगा, और नहीं मिलेगा तो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको 3 ईयर्स के लिए मिलेगा, जो कि DRC या DSC जो कमेटी होगी उसके रिकमेंडेशन पे 2 ईयर्स को और एक्सटेंड हो सकती है, सो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी फेलोशिप, ठीक है। तो नोट में यहाँ पे बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में है तो आपको स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो भी है मतलब लेटर वगैरह प्रोड्यूस करना होगा, NOC वगैरह प्रोड्यूस करना होगा, तो प्लीज़ आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अगेन कैटेगरी ए के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए आपके पास गेट होना चाहिए, गेट इज़ मैंडेटरी, अगर MSc टेक MBA इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग फिर नेट या गेट GPAT नेसेसरी है, बट हाँ अगर नेट भी नहीं है गेट भी नहीं है तो आप सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बाकी है जो बाकी कैटेगरी CDEFG, तो उसके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है गेट नेट की ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ इन्हें जैसा मैंने कहा इसको एक बार देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने देखा कि गेट नेट मैंडेटरी है फुल टाइम कैटेगरीज के लिए, पार्ट टाइम के लिए नहीं है। मार्क्स की बात करें तो मास्टर्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए या 6.5 CGPA होना चाहिए, एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली एट मास्टर्स लेवल बट एट बोथ UG एंड PG लेवल आपके मार्क्स इतने होने ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बैचलर्स के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो 65% मार्क्स या 7 CGPA है, साथ में वैलिड गेट स्कोर है तो आप भी एलिजिबल हैं। साइंस डिपार्टमेंट्स की बात करें, ये जो था वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए था, साइंस डिपार्टमेंट्स के लिए अगेन 60% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए या 6.5 आपका CGPA हो, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ मास्टर्स तो होना ही चाहिए बट जो मार्क्स हैं 60% वो UG PG दोनों ही लेवल्स पे होने चाहिए, राइट। ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी अगेन सेम ही क्राइटेरिया है, UG PG दोनों लेवल्स पे आपके मार्क्स होने चाहिए 60% एंड मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए। देन है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, अगेन UG PG लेवल पे 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। देन यहाँ फ़ी की डिटेल्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड फाइनेंस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए भी फीस दी हुई है, देन बाकी इन्फॉर्मेशंस है। नाउ इंस्ट्रक्शंस तो आपको अप्लाई करने का लिंक मैंने 2 बार दिखाया, ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू आपको अप्लाई करना है। एंड एप्लीकेशन फ़ी 1600 है, अगेन ये बहुत ज़्यादा है बट हम अगेन कुछ नहीं कर सकते, सो इट इज़ 1600। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हाँ यहीं से PhD करनी है, अगर हो जाता है आप किसी भी मतलब आप परस्यू करेंगे PhD तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफकोर्स 1600 तो एप्लीकेशन फ़ी है ही, 800 है CST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट्स के लिए 1600 है सभी के लिए, तो किसी भी कैटेगरी के हो इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 1600 यू हैव टू पे, राइट। एंड अगर एक बार पे कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में, राइट। यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं पेमेंट के, तो आप इन लिंक्स के थ्रू पेमेंट करेंगे, सेपरेटली दिया हुआ है कैटेगरी वाइज एंड सेल्फ फाइनेंस के लिए अलग है। नाउ ये है चेकलिस्ट, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। पार्ट टाइम बेसिस के लिए अगेन लिंक्स वगैरह हैं, राइट। देन अगेन चेकलिस्ट, पेमेंट लिंक, एवरीथिंग। नाउ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड रिसर्च एरियाज, सो देखिए हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, हमने डिपार्टमेंट्स देखे कौन कौन से। अब आपका जो डिपार्टमेंट है उसके सामने जो भी क्राइटेरिया है, जैसे सिविल है तो सिविल के लिए आप देख सकते हैं कि ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एंड एरियाज़ में ये एरियाज़ हैं जिसमें आप PhD परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा, हाँ कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बट एक एक डिस्कस करने पे ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे NXures हैं, सो आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको NXure को देख लीजिएगा, राइट। वन मोर थिंग, जिस कैटेगरी के लिए भी NOC आप सबमिट करेंगे तो वो 7 अक्टूबर की डेट के बाद का ही होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा। सो आई थिंक यस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो भी इशू है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।